मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। एक तरफा प्यार में पागल शाहरुख ने अंकिता नाम की एक लड़की पर पेट्रोल डालकर उसे आग लगा दी। 5 दिनों तक 90% जल चुकी अंकिता जिंदगी और मौत से जूझती रही और आखिरकार अंकिता ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, जिसके बाद काफी बवाल मच गया है। हालांकि आरोपी शाहरुख को पुलिस ने गिरफ्तार जरूर कर लिया है, मगर सड़कों पर हिंदू संगठन के लोग उतर गए और बाजार बंद करवा दी और विरोध प्रदर्शन भी यहां सड़कों पर जमकर किया गया। हालात को देखते हुए प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है। हालांकि अंकिता की मौत पर शाहरुख के खिलाफ पूरे देश में गुस्सा देखा जा रहा है और शाहरुख को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की जा रही है। पुलिस के मुताबिक शाहरुख 12वीं में पढ़ने वाली 16 साल की अंकिता को हमेशा परेशान किया करता था, उसका पीछा किया करता था, उस पर प्यार करने का दबाव बनाया करता था, मगर अंकिता ने शाहरुख से प्रेम संबंध रखने से इनकार कर दिया था। शाहरुख अंकिता को धमकियां भी देता था, मगर एक तरफा प्यार में फेल होने पर शाहरुख ने 23 अगस्त को अंकिता पर पेट्रोल डालकर उसे आग लगा दी। गंभीर हालत में उसे दुमका अस्पताल में भर्ती कराया गया, मगर जब बाद में हालात काफ़ी बिगड़ने लगी उसके बाद उसे रांची के रिम्स हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया। हालांकि अपने जिंदा रहते ही अंकिता ने पुलिस को सारे बयान दर्ज करा दिए हैं और इलाज के दौरान अंकिता की मौत। इसके बाद तमाम हिंदू संगठनों ने सड़क पर उतर कर विरोध प्रदर्शन किया और कड़ी सुरक्षा के बीच अंकिता की अर्थी घर से निकाली गई। इस दौरान माहौल खराब ना हो इसलिए पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए थे। वहीं शाहरुख के खिलाफ प्रदर्शनकारियों की मांग है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाया जाए। वहीं आरोपी शाहरुख को तो पुलिस ने गिरफ्तार जरूर कर लिया है, मगर अंकिता को इंसाफ मिलने की उम्मीद लिए लोग शाहरुख को कड़ी सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। देखिए, तो एक तो पीड़िता थी, उनका हम लोगों ने शुरुआती समय में ही मजिस्ट्रेट और डॉक्टर के समक्ष उनका बयान कराया था। वो अब क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई है तो अब वो डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में मतलब माना जाएगा, जो एक अकाट साक्ष्य माना जाता है, और बाकी जो एविडेंसेस हैं उसको भी हम लोग जोड़ करके तो एक हम लोग प्रयास करेंगे इसमें आरोपित को कड़ी से कड़ी सजा मिले। हाँ, एक और क्या नाम आया था उसको भी हम लोगों ने डिटेन किया है, अब उस पर हम लोग सारी चीज़ों को साक्ष्य संकलन करें, साक्ष्य यदि उनको मिलता तो उनको भी न्यायिक हिरासत में भेजें।